इन द कंटिन्यूशन ऑफ चैप्टर नंबर 7 ऑल्टरनेटिंग करंट्स, आज मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन ले रही हूँ 7.25 एंड 7.26। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफार्मर ऑल्सो, अदरवाइज क्वेश्चन सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। स्मॉल टाउन विद अ डिमांड ऑफ 800 किलोवाट। ओके, मैं हाईलाइट करती हूँ पॉइंट्स। आई हैव हाईलाइटेड द पॉइंट्स नाउ। अ स्मॉल टाउन विद अ डिमांड ऑफ 800 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एट 220 वोल्ट इज सिचुएटेड 15 किलोमीटर अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जनरेटिंग अ पावर एट 440 वोल्ट। तो इसको अगर हम एक पूरा सिस्टम से समझें तो मैं समझाने की कोशिश करती हूँ कि यहाँ एक पावर प्लांट था। सो लेट अस अंडरस्टैंड द एंटायर थिंग विद द डायग्राम। तो हमें डायग्राम से थोड़ा इजीली समझ में आ जाता है। तो ऐसा कोशिश भी करनी चाहिए कि जब भी आपको कोई क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले कोशिश करें कि उसका डायग्राम हम प्लॉट करें, तो पिक्चर काफ़ी हद तक क्लियर हो जाती है। तो वो कह रहा है कि अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जनरेट अ पावर ऑफ 440 वोल्ट। तो यानी ये पावर मेरा प्लांट है, ये आपका टाउन है, और ये इन बिटवीन वायर थी जो कनेक्शन के लिए यूज़ हुई। तो हम कहते हैं कि पावर प्लांट कितने पे वोल्टेज जनरेट कर रहा था, 440 वोल्ट पे दे रहा था, और वहाँ पर उसको स्टेप अप किया गया होगा। ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, लेकिन स्टेप अप करके वो कितने पे, क्योंकि 440 वोल्ट पे तो सप्लाई हो नहीं सकती, बहुत लो वोल्टेज है, तो उसने उसको स्टेप अप करके किसी वैल्यू पे लेके आया होगा। लेट अस से दैट वैल्यू इज़ एक्स। हमें एक्स फाइंड करना है। द रेसिस्टेंस ऑफ द वायर लाइन, टू वायर लाइन कैरिंग पावर इज़ 0.5 ओम पर किलोमीटर। जो वायर इस पूरी सप्लाई को ट्रांसफ़र कर रही थी टाउन तक, उस वो टू वायर लाइन थी, और उसका रेसिस्टेंस जो था पर किलोमीटर, वो रेसिस्टेंस था पर किलोमीटर, जो रेसिस्टेंस था, रेसिस्टेंस पर किलोमीटर वो था आपके पास, या ओम पर किलोमीटर भी लिख सकते हैं, ये भी ये लिखा ओम पर किलोमीटर, दैट इज़ 0.5 ओम पर किलोमीटर। ये हमें गिवन है। द टाउन गेट पावर फ्रॉम द लाइन थ्रू अ 4,000 to 220 वोल्ट। वो 4,000 से 220 वोल्ट पे आ रही है, यानी यहाँ पर इस एंड पे 4,000 वोल्ट की सप्लाई मिली होगी, और इसको स्टेप डाउन करके 220 वोल्ट पे दिया गया है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ करके सब स्टेशन पे। तो पहले पावर प्लांट से ट्रांसफ़र हुई होगी हाई वोल्टेज पे, वो हाई वोल्टेज थ्रू सम कुछ डिसिपेशन हुआ होगा, फिर वो डिसिपेशन होने के बाद जो हमारे पास रिमेनिंग बची उसको वापस स्टेप डाउन किया गया होगा, और फिर सप्लाई की गई होगी टाउन को। तो पिक्चर कुछ कुछ ऐसा है। अब आगे क्या पूछ रहा है हमसे, एस्टिमेट द लाइन पावर लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट। वो हमसे पूछ रहा है कि पावर लॉस कितना हुआ, दैट मीन्स यहाँ पर जो पावर सप्लाई थी, लेट मी कॉल इट एज अ वाई, कि यहाँ पर वाई वॉट की पावर हमें सप्लाई हो रही थी, वो यहाँ तक रिड्यूस हो गई होगी, इस पॉइंट तक आते आते रिड्यूस हो गई होगी, क्योंकि टाउन को कितनी चाहिए, 800 किलोवाट। टाउन को तो सिर्फ 800 किलोवाट ही चाहिए। सो लाइन के अक्रॉस कुछ ना कुछ पावर लॉस हुआ होगा, हमें वो पावर लॉस भी निकालना है। दूसरा पार्ट में पूछा हाउ मच पावर मस्ट द प्लांट सप्लाई, और प्लांट ने कितना पावर सप्लाई किया होगा, मतलब हम क्या करेंगे, जो वायर के अक्रॉस पावर लॉस हुआ वो उसमें हम 800 ऐड कर देंगे, जो सप्लाई हमें चाहिए था भाई, आप तक 800 टाउन तक 800 ही पहुंचा है, तो बाकी का जो होगा वो वायर में लॉस हो गया होगा, और यहाँ से प्लांट से हमें ज़्यादा मिला होगा, तो दोनों का सम टोटल वो आपको वाई की वैल्यू दे देगा, यानी जो प्लांट पावर सप्लाई कर रहा था वो भी हमें पता चल जाएगा, जो लॉस है वो भी हमें पता चल जाएगा। एंड अज्यूमिंग दैट देयर इज़ अ नेग्लिजिबल पावर लॉस ड्यूरिंग द ड्यू टू लीकेज। अच्छा, आप बाकी सारी चीज़ों को, लीकेज को, कोई भी कपलिंग इफेक्ट हो या कुछ भी, उन सबको नेग्लेक्ट करने के लिए बोल दिया गया। एंड कैरेक्टराइज द स्टेप अप ट्रांसफार्मर एट द प्लांट, और हमें ये बोला है कि जो हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर है वो कैसा होना चाहिए, यानी हमें एक्स की वैल्यू भी निकालनी है। जैसे यहाँ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का उसने उन्हें हमें बता दिया कि 4000 से 4220 वोल्ट पे ला रहा है, स्टेप डाउन कर रहा है, तो ये स्टेप अप करके ला रहा होगा, तो ये स्टेप अप कितना कर रहा है वो भी हमें बताना है। तो करेक्टराइजेशन हम तभी कर सकते हैं कि ट्रांसफार्मर कैसा था। तो नाउ यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, नाउ वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन। अभी तक हम सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज को ही समझ, दैट इज़ वाई आई वाज सेइंग दिस क्वेश्चन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलिए बात करते हैं। पहले तो हम नेट रेसिस्टेंस निकाल लें, पूरी वायर के अंदर जितना भी नेट रेसिस्टेंस था वो हम निकालते हैं। वायर का जो रेसिस्टेंस यूनिट लेंथ के लिए था वो 0.5 था, लेकिन वायर की लेंथ थी 15 किलोमीटर की लेंथ थी वायर के पास, और ये 2 लेन वायर थी, तो इसको 2 से भी मल्टीप्लाई करें क्योंकि दोनों वायर में रेसिस्टेंस होगा। सो आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट द नेट रेसिस्टेंस इन द वायर, दैट विल बी योर 15 ओम। तो नेट रेसिस्टेंस हमारे पास आ गया। अब जो वोल्टेज सप्लाई जो यहाँ हमें मिली है वो है 4000।
सो ये 4000 वोल्ट है। तो हम पावर का फॉर्मूला लगाएं, P इज इक्वल टू वी आई रिलेशनशिप लगाएं, तो यहाँ से आपका करंट यानी P बाय वी निकल जाएगा। और पावर कितनी दे रखी है, हमें रिक्वायरमेंट कितनी थी 800 किलो वोट की, 800 इंटू 10^3 की, और वोल्टेज कितना था 4000। तो ये हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं एंड देन यू विल गेट द आंसर फॉर द करंट। करंट कितना हुआ 200 वोल्ट। लेकिन हमें तो लॉस चाहिए, लॉस चाहिए, वो भी पावर लॉस चाहिए। तो पावर लॉस को हम देते हैं किस तरीके से, आई स्क्वायर पी इज इक्वल टू लॉस, पावर की बात करें आई स्क्वायर आर। आई हमें मिल गया है 200 इंटू में रेसिस्टेंस आ गया आपके पास 15, इसको स्क्वायर करना था एंड दिस विल गिव यू 600 किलोवाट। इसका मतलब वायर के अंदर आपकी इतनी पावर लॉस हो गई, टाउन को सिर्फ 800 मिली, तो टोटल पावर सप्लाई कितनी की गई होगी। तो जिसे मैंने यहाँ फिगर में वाई बोला है, सो टोटल पावर जो प्लांट पर थी एट प्लांट, तो प्लांट पर जो टोटल पावर थी जिसे हम वाई बोल रहे थे, या मैं इसको सिंपली पी से भी बोल सकते हो, तो वो किसके बराबर होगी, ये वाली पावर 600 किलोवाट। उसके अंदर आपको जो टाउन को चाहिए थी एक्चुअली, वो 800 भी आप किलोवाट ऐड कर दें, सो दिस विल गिव यू द टोटल पावर दैट इज 1400 किलोवाट, हमें टोटल पावर मिल गई। तो प्लांट, एक क्वेश्चन पार्ट हमारा सॉल्व हो गया कि प्लांट ने कितनी पावर सप्लाई की थी वो हमें पता चल गया, और हमें मिली कितनी, सिर्फ 800, बाकी की पावर वायर के अक्रॉस हीटिंग की वजह से लॉस हो गई। अब सेकेंड पार्ट में उसने पूछा था, पावर लॉस हमें मिल गया लाइन का, हीटिंग लॉस पावर कितना हुआ वो भी हमने कर लिया, एंड एवरेज पावर एट द प्लांट, वो भी दोनों पार्ट हमारे हो गए। अब वो करेक्टराइजेशन पूछ रहा है, यानी अब हमें बताना है कि ट्रांसफार्मर जो था वो क्या सप्लाई दे रहा था। वो आपको वोल्टेज ड्रॉप थ्रू ट्रांसफार्मर निकालते हैं। अब पहले हम निकालते हैं वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस वायर, यानी वायर के अक्रॉस जब आपने कोई स्पेसिफिक वोल्टेज सप्लाई की होगी, वो ड्रॉप होने के बाद आपको यहाँ मिला होगा। लेकिन वोल्टेज ड्रॉप को V इज इक्वल टू आई आर रिलेशनशिप बोलते हैं। आई हमें निकाल चुके हैं कि 200 थी इस वायर के अंदर जो करंट थी वो 200 थी, इस वायर का रेजिस्टेंस भी हम निकाल चुके हैं वो था 15, तो यानी कि वायर के अक्रॉस 3000 वोल्ट आपके वोल्टेज ड्रॉप हो गया होगा। तो जो सप्लाई हुआ होगा वो कितना होगा टोटल, अब 4000 यहाँ पहुँचा है और 3000 वेस्ट हो गया है, तो टोटल यहाँ 7000 होना चाहिए। तो जो वोल्टेज था एट प्लांट वो कितना हो गया, ये 3000, सो वी नेट बोल देते हैं इसको, या वी प्लांट बोल सकते हो, 3000 प्लस योर 4000 दैट विल बी योर 7000, और ये मेरी वैल्यू थी एक्स की, तो एक्स मेरा निकला है 7000 वोल्ट। यानी अगर मेरे को ट्रांसफार्मर यहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर मुझे करेक्टराइज करना हो तो वो कितना होना चाहिए, वो 440 से आपको कितने पे ले जाए, 7000 पे ट्रांसफॉर्म करे। सो लिख सकते हैं, करेक्टराइज कर रहे हैं हम स्टेप अप को ट्रांसफार्मर को, और वो कितना है 440 से, यानी कि प्लांट के पास 440 थी स्टेप डाउन थी, उससे वो एक्स पर ले गया होगा, और वो कितना था 7000 से लेकर आपका 7000 वोल्ट तक ये रहा होगा। स्टेप डाउन में ये नहीं कि यहाँ वोल्ट लिखने की ज़रूरत नहीं होती, मतलब एक ही साइड दिखा दो, दोनों रेंज ही तो दिखा रहे हैं हम कि 440 से वो 7000 पे ले गया है, जबकि पिछले में जब टाउन में हम देखें तो यहाँ देखो, यहाँ मैं क्लियरली वैल्यू लिख सकती हूँ, ये मेरा 7000 आया और ये हमारा आया 1400 किलोवाट आया था हमारा टोटल। तो कहने का मतलब है प्लांट ने स्टेप अप किया गया, जब हम प्लांट पर थे तो वहाँ से स्टेप अप हुआ, कुछ वोल्टेज जो थी वायर के अक्रॉस वेस्ट हो गई, कुछ हीटिंग की वजह से पावर वेस्ट हो गई, तो जो टाउन के पास पहुंचा है वहाँ पर 4000 वोल्टेज पहुंचा, उसको फर्दर स्टेप डाउन किया गया सो एज टू ट्रांसफ़र, और वो जो सप्लाई थी पावर की वो तो एज इट इज़ ही ट्रांसफर थी, पावर नहीं ट्रांसफार्मर अप डाउन कर सकता, सिर्फ वोल्टेज और करंट ही कर सकता है। तो जितनी पावर यहाँ पहुँचेगी वो सारी मिली होगी वहाँ पर, लेकिन वोल्टेज को हमने डाउन कर दिया स्टेप डाउन करके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, डू द सेम एक्सरसाइज एज द अबोव विद द रिप्लेसमेंट ऑफ द अर्लियर ट्रांसफार्मर बाय 40000 टू 220 वोल्ट। तो कहता है कि अब आप ट्रांसफार्मर को चेंज कर दो, और ट्रांसफार्मर जो हम पहले हम यूज़ कर रहे थे 4000 से लेकर 220, अब वो कह रहा है 440 से 220 यूज़ करो। तो अगर हम 440 से 220 वाला यूज़ कर लेंगे तो यहाँ पर भी हम RMS मतलब करंट की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो पहले हमारी करंट की वैल्यू थी P बाय V, और P हमारा अभी भी उतना ही है क्योंकि पावर को लिए तो कोई फ़र्क नहीं, रिक्वायरमेंट तो पावर की उतनी ही है, लेकिन अब की बार हमें 4000 की जगह यहाँ पे
40,000 यूज़ करना है, और जब हम यूज़ करेंगे यू विल गेट ओनली 20 एम्पियर ऑफ करंट, जिसकी वजह से जो लॉस, पावर लॉस जो आएगा वो कितना हो जाएगा, वो आई स्क्वेयर आर ही होना चाहिए था फार्मूले के मुताबिक, लेकिन आई तो हमारा काफ़ी कम हो गया है, और इसके लिए जब हम यूज़ करेंगे आर रेसिस्टेंस नेट अभी भी उतनी है, वही टू केबल वायर है और रेजिस्टेंस नेट अभी भी उतना ही है 15 ओम, तो हम जब यहाँ कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते हैं तो दिस विल कम आउट टू बी 6 किलोवाट, तो ये 6 किलोवाट हो गई, तो इसका मतलब टोटल पावर जो प्लांट ने दी गई होगी, प्लांट पर जो पावर हमें मिली होगी वो 6 किलोवाट प्लस 800 किलोवाट यहाँ, तो फ़र्क कितना पड़ा, सिर्फ 806 हमें किलोवाट हमें प्लांट से मिल रहा था, जबकि पहले क्या हो रहा था, देखिए यहाँ पे हमने 600 और 800 यानी लॉस पावर का बहुत ज़्यादा हो गया था वायर के अक्रॉस, एंड देन हमें उसको पावर तो हमें सप्लाई होती थी 1400, लेकिन वेस्टेज की वजह से पावर सप्लाई की बहुत ज़्यादा वेस्टेज हो गई थी और हमें सिर्फ जो है 800 किलोवाट मिलते थे, यहाँ पर हमारे पास 6 किलोवाट एक्स्ट्रा पावर उसे जनरेट करनी पड़ी, ज़्यादा उसको कुछ नहीं करना पड़ा। लेकिन अब आगे बात कर लेते हैं, आगे वो सेकंड पार्ट में पूछा था वोल्टेज ड्रॉप कितना होना चाहिए, तो वोल्टेज ड्रॉप भी देख लेते हैं, वी ड्रॉप निकालते हैं हम यहाँ पे, तो वोल्टेज ड्रॉप आई आर रिलेशनशिप होता है, लेकिन आई इस बार हमारा कितना है 20 है, और 20 × 15 करें तो दिस विल गिव यू 300 वोल्ट, तो यानी जो वोल्टेज भी गया बीच में, वोल्टेज ड्रॉप हुआ वो भी सिर्फ 300 ही हुआ, और जो पहले कितना हो रहा था वो 3000 वेस्ट हो रहा था, पहले इतना वोल्टेज ड्रॉप हमें वायर के क्रॉस मिल रहा था, जो जिसकी वजह से हमें सप्लाई कितनी करनी पड़ रही थी, स्टेप अप करना पड़ा था 7000 तक के लिए, लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ, वोल्टेज ड्रॉप जो है हमें सिर्फ 300 का हुआ, जिसकी वजह से जो वोल्टेज अक्रॉस दी आउटपुट वोल्टेज पावर का होना चाहिए था आउटपुट एट प्लांट, तो प्लांट पे जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर का आउटपुट होना चाहिए वो कितना चाहिए, इस 300 को हम 4000 में ऐड कर दें, 40,000 सॉरी इस बार क्योंकि 40,000 की बात हो रही है, तो 40,000 प्लस 300 तो आपके पास 40,300 वोल्ट ही बचा, यानी अब स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्योंकि हाई वोल्टेज, वेरी हाई वोल्टेज पे ट्रांसफ़र कर रहा है, तो लॉस ऑफ वोल्टेज यानी वोल्टेज ड्रॉप भी बहुत कम हुआ, पावर लॉस भी को बहुत कम हुआ, और अगर हम कंपेयर करें दोनों को, दोनों की एफिशिएंसी कंपेयर करें कि किसके अंदर ज़्यादा लॉस हुआ, तो अगर आप टोटल पावर देखें इन फर्स्ट केस, यानी कि आंसर ये क्वेश्चन 25 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन 25 में जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसके अंदर जो हमारी आउटपुट पावर थी वो आ रही थी आपकी 600 जो वेस्ट हो गई थी हमारी, और हमने सप्लाई कितनी की 1400 की थी, और उसका हमें परसेंटेज निकालना है, यानी हमारे पास आया 43%। और क्वेश्चन नंबर 26 की बात अगर हम करें तो यहाँ हमारी टोटल आउटपुट पावर कितनी आ रही थी, जो आउटपुट 6 थी एंड 806 हमारी टोटल पावर सप्लाई थी इनटू में 100, मतलब हमने कहा कि लॉस्ट पावर बाय दी टोटल पावर, ये रेशियो ले लिया हमने, लॉस्ट एफिशिएंसी निकालना चाह रहे हैं कितना परसेंटेज लॉस हुआ है, तो हम यहाँ पर बता सकते हैं दिस विल कम आउट टू बी 0.74%। तो यानी हम सिंपली कंक्लूड के दोनों एग्जांपल्स में कि अगर आप लो वोल्टेज पे ट्रांसमिशन कराते हो तो पावर लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हीट लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जबकि अगर आप हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन कराते हो यानी करंट को कम करके, यहाँ हमने क्या किया, वैसे तो ये भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, 40,000 इज़ टू मच, बहुत ज़्यादा वोल्टेज है, लेकिन फिर भी उन्होंने ये लिखा भी है नेगलेक्ट एज बिफोर लीकेज लॉसेज थ्रू दिस मे नॉट बी गुड अजम्पशन एज लॉन्ग सॉरी एनी लॉन्गर बिकॉज ऑफ वेरी हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन इन्वॉल्व, तो नेगलेक्ट एज बिफोर लीकेज लॉस और ये सब चीज़ों को आप भूल जाइए, क्योंकि वो ये अजम्पशन वैसे भी कोई मायना, अब मतलब उन्होंने क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से दिया है ना, तो वी विल नॉट कंसीडर और एनी अदर थिंग, तो हम सिर्फ यहाँ पे वोल्टेज बात कर रहे हैं, जो भी लॉसेस बीच में हुए होंगे उनको हमने सबको नेगलेक्ट कर दिया है, तो यहाँ हमें क्लियरली पता चला कि हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन इसलिए बेटर होते हैं लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, और लो वोल्टेज ट्रांसमिशन जो हैं हमें ज़्यादा पावर लॉस कराते हैं। सो ये क्वेश्चन तो इसीलिए था, सो आज की क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में कुछ और हम कंसेप्चुअल क्वेश्चन लेंगे जो इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए लास्ट क्लास होगी।